हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं SSTD 14 फेब। दोस्तों आज हुए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत देखिए। दोस्तों लगभग दोस्तों आपके शिफ्ट में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और दोस्तों ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्ट में रिपीट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम। तो फिर सुमित्रा महाजन। अगला सवाल देखते हैं 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड में होने वाला है, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। अगला सवाल देखिए दोस्तों, और तो फ्रेंड यहाँ से मैथ से क्वेश्चन पूछा है, सीरीज दोस्तों पूछी यहाँ पे 2 से 205 बढ़ रहा है, उसके बाद 11, 23 एंड 47। तो लगभग दोस्तों यहाँ से 3 200 बढ़ रहा है, यहाँ से 6 बढ़ रहा है, और यहाँ से दोस्तों 12 एंड 200, ये दोस्तों मल्टीपल बढ़ रहे हैं, 3 से 6, 6 से 12 और 12 से यहाँ से दोस्तों 24 आ जाएगा, और 24 से दोस्तों 48 आ जाएगा। तो फ्रेंड 48 और 47 ऐड करें तो दोस्तों कितना आता है, 95 आता है, यानी दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 95। तो फ्रेंड्स काफ़ी दोस्तों आसान आसान क्वेश्चन बन रहे, तो फ्रेंड इसी लॉजिक पे दोस्तों आपके अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखें, तो फ्रेंड्स यहाँ से ऐसे पूछा है 80 टू 40 160। तो फ्रेंड 80 इंटू 1 80 इंटू 2 80 इंटू 3, तो फिर यहाँ से मल्टीपल कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 80 इंटू 2। तो फ्रेंड लगभग दोस्तों 80 आपका यहाँ पे LCF आ रहा है, दोस्तों कितना आ रहा है दोस्तों, 80 यहाँ पे आपका LCF आ रहा है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों अगला सवाल देखते हो, साइंस से पूछा है प्रोटीन का प्रोटीन में सहायक पाचक। तो फ्रेंड प्रोटीन में सहायक पाचन कौन सा एंजाइम होता है, तो फ्रेंड्स ट्रिप्सिन होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे दोस्तों क्वेश्चन आपके RRB ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्तों पूछे गए। तो फ्रेंड्स वहाँ से दोस्तों रिपीट क्वेश्चन आपके SSTD में हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक बार दोस्तों आप ग्रुप डी के दोस्तों क्वेश्चन एक बार दोस्तों देख लीजिए, तो फ्रेंड वहाँ से लगभग दोस्तों आपके मिलते मिलते क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख जाएंगे आपके आने वाले SSTD के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ। तो फ्रेंड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, हिस्ट्री कल्चर, मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कितना है। तो फ्रेंड भारत का स्थान कितना है, प्रथम है। तो फ्रेंड दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नागरिकता है दोस्तों, सिटीजनशिप किस देश से ली गई है। तो फ्रेंड सिटीजनशिप दोस्तों ली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन से, दोस्तों ब्रिटिश से ली गई है। फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये 86वां संविधान संशोधन संबंधित है शिक्षा से संबंधित है, यानी दोस्तों एजुकेशन से संबंधित है 86वां आपका संविधान संशोधन। फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन पूछा है 2018 में गेहूं का MSP दोस्तों पूछा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपकी MSP प्राइस दोस्तों पूछी है यहाँ पे गेहूं की। तो फ्रेंड्स दोस्तों 1840 दोस्तों होती है यहाँ पे आपकी MSP होती है गेहूं की प्रति क्विंटल, 1840 प्रति क्विंटल दोस्तों आपका गेहूं का MSP प्राइस होती है 2018 के लिए। तो फ्रेंड्स आगे दोस्तों क्वेश्चन पूछा है मैथ से आपके क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग से दोस्तों के क्वेश्चन पूछे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स 3 इज इक्वल्स टू दोस्तों यहाँ पे 27 लिखा है और 4 इक्वल्स टू 8। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों रिलेशन आपको बताना चाहिए, 3 का दोस्तों क्यूब कितना आता है, 27 आता है, 3 का क्यूब 27, और दोस्तों 4 का क्यूब कितना आता है, तो फ्रेंड्स 64 आता है, एंड दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं पंडित जोशी का घराना कौन सा है। तो फ्रेंड्स पंडित जोशी का दोस्तों घराना पूछा है यहाँ पे। तो फ्रेंड उनका जो घराना है दोस्तों किराना घराना से तो बिलोंग करते हैं पंडित जोशी। फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल देखते हैं पुस्तक अध्याय से दोस्तों पुस्तक बिलोंग करते हैं और चाप से क्या बिलोंग करता है, वृत्त बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स रीजनिंग से दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे वाले आपके एग्जाम में, आर्यन मल्होत्रा समिति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मल्होत्रा समिति से दोस्तों क्वेश्चन पूछे, कमेटी के बिलोंग्स टू आर्यन मल्होत्रा कमेटी बिलोंग्स टू इंश्योरेंस सेक्टर, यानी दोस्तों बीमा क्षेत्र से संबंधित है। क्या है दोस्तों, आर्यन मल्होत्रा समिति किससे बिलोंग करती है, बीमा क्षेत्र से यानी इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा है आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा है 13,000 रुपये पर अगर 15% प्रॉफिट मिलता है तो फ्रेंड्स कितना होता है प्रॉफिट, यानी दोस्तों धन तो फ्रेंड्स मूल राशि कितनी होती है, या फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड्स अगर 13,000 रुपये पर अगर दोस्तों हम 15% ऐड करें, दोस्तों 115% ऐड करें, तो फ्रेंड्स इतना आंसर आपका आ जाएगा 14,950। तो फ्रेंड्स सिंपल आप को कर सकते हैं, जो जो कैंसिल कर सकते हैं, और 1115 × 13 = कितना आता है दोस्तों, 14,950 रुपीज़ आता है। तो आप इसको आसान दोस्तों एक बार सॉल्व कर लेना इसे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 14,950 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं DPSP। तो फ्रेंड DPSP कहाँ से बिलोंग करती है, तो फ्रेंड DPSP हमने कहाँ से लिए, तो फ्रेंड DPSP हमने लिए आयरलैंड से। तो फ्रेंड DPSP क्या होता है, तो फ्रेंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है। तो फ्रेंड्स पार्ट 4 में दोस्तों ये 36 से 51 तक के बीच में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फ्रेंड DPSP क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड कहाँ से लिए दोस्तों, आयरलैंड से लिए।
फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, सभा राज्यसभा के सभापति कौन है। तो फ्रेंड राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे स्टडी जीके से उसको क्वेश्चन पूछा है, तो फ्रेंड वाइस प्रेसिडेंट जो कि होती है राज्यसभा के सभापति होती है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल तो नेशनल इमरजेंसी दोस्तों आर्टिकल से दोस्तों क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड्स कल भी दोस्तों आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा, आज भी दोस्तों आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा, तो फ्रेंड्स आने वाले सभी सिस्टम में दोस्तों आर्टिकल का आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपातकाल, तो फ्रेंड्स यहाँ बात करें तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल तो फ्रेंड्स कितना होता है, 352 एंड दोस्तों 352 होता है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो स्टेट इमरजेंसी कितना होता है, तो फ्रेंड्स 356 होता है। कितना होता है, 356 होता है स्टेट इमरजेंसी के लिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो फ्रेंड ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र कहाँ, तो फ्रेंड्स यह अवार्ड कहाँ दिया जाता है, तो फ्रेंड्स साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में बिलोंग करता है। फिर आपके दोस्तों दो क्वेश्चन बने थे प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिट लॉस से दो दो क्वेश्चन बने थे, उसके बाद दोस्तों आपके दो क्वेश्चन बने थे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से दो क्वेश्चन बने थे, और काफ़ी दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों मिल नहीं पाया अभी। तो फ्रेंड जैसे दोस्तों क्वेश्चन मिलते हैं सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के, तो फ्रेंड्स लास्ट आज से हम डिस्कस करेंगे सारे शिफ्टों के क्वेश्चन। और दोस्तों कथन निष्कर्ष से भी एक दो क्वेश्चन बन रहे और सिलॉगिज्म से दोस्तों आपके एक दो क्वेश्चन बन रहे। तो फ्रेंड्स ये था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।